हेलो फ्रेंड, आरती रोज ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारे यहाँ आए हैं नंदी बाबा, और इनसे हम पूछेंगे अपनी किस्मत के बारे में और ये सब बताएंगे। और ये बाबा हैं, पहले एक रोटी खिला दो आके इनको, नंदी बाबा को एक रोटी ले आओ, एक रोटी खिला दो आके। नाम मेरा रोहित है। अब देखो रोहित जो अपने मन में विचार करे हैं, देखो रोहित को काम बने तो मुँह लगाए कहियो रोहित, और ना बनाए तो तीन ना दियो। काम बनी मेरे रोटी खवाबे ने क्या जा बताबो नंदी बाबा, देख मां दर खिचवा दो। हम पापा कब बने हैं? और देखो बाबा जी, इन्हें औलाद मिली है? मिली है आपकी? साल भर में मिल जाई है साल भर? और देखो बाबा जी, किसकी गोदी भरी है जा बताबो। एक जन नहीं भरी है कि दोनों जन ने गोदी भरी? बताबो किनकी गोदी भरी है जा, उसकी बात बता के आबो जा। देखो किनकी गोदी भरी है मुँह लगाए, और किन मिली है बाबा जी? अच्छा इनके आर्थिक भैया कौन से हैं नंदी बाबा, पूछवाबो। देखो इनके कोई भाई हैं या बताबो? देखो इनके भैया को बताई दो, इतना होशियार है नंदी बाबा, सब बता देते हैं। हमारो भाग कम पूछवाई दो, इनको भाग पूछवाई दो। पढ़ पाइए कि नहीं? अरे तो बोल बाबा, जो बोलते बहुत है बाबा, पढ़त ना जो। तो कैसी दुआ दे के चले जाए बाबा जी? और दुआ दे के कैसे चले जाए, बस हमारे चैनल लोग वीडियो ज्यादा देखें हमारी। कई कंठ रामायण में लिखी का तुलसी जगमा आय के मिली है सबका अधाय, और कई नहीं मालूम कि भेद मिश्र और भगवान मिल जाते हैं। और कोई घड़ी कोई बेरा हो तो दुआ बचन लग जा जो भलो ही जात, कई दुआ गाज हो और दुआ आबाद हो, दुआ लग जा तब भला हो जात, अब बदुआ लग जा तो बर्बाद ही जात। हाँ, बर्बाद तो ही जात। आज को थोड़ा सवाल करी ही तुमसे करो। आज तुम्हारे हाथ से एक कमंडलिया पर गेहूँ लिखी तुमसे। गेहूँ हमारे आज कटन वाले हैं। चावल सुनो 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 बाबा, अब तो हकीकत बात, मेरे पास खेती नहीं है। अच्छा खेती का हमने पटका करी है। अच्छा ठीक, लेकिन गेहूँ बदले हम तो आप पैसा दिए। कमंडलिया पर गेहूँ कितने हुई? मुश्किल 30-40 रुपया। 50 के जी। अब दे कितने वो देना है? 10 मिनट। 50 रुपया दे दियो और कटा कर दे, जल्दी करके 10 मिनट, क्योंकि हम लोग नाच कुछ खरीदते हैं, है ना? अच्छा जा बता भाई, हमारा हाथ देख लो, हमें पढ़ने आई ना है। पढ़न जाओ जब तो यही पढ़न गाँव के पढ़न जा, बोलते बहुत तो है। जब बताओ इनमें किसका लड़का हुई, किसका लड़की? और बाबा दोनों लड़की नहीं हुई, किसका लड़का हुई? जाओ दोनों लड़का हुई यार, जाओ दोनों लड़का हुई यार, जाओ कह रहे हैं। अच्छा हाँ, बाबा कृपा भोलेनाथ। खाना वाना खाई ले, भूख लगी हो आप तो? अब जा रहे हैं नंदी बाबा। आर्थिक तो बता ही गए हैं कि अब हमें तो बता गए कि अब इस बार हम पापा बन जाएंगे, लेकिन पता नहीं 4 साल तो बने नहीं अभी, 4 साल हो के। मम्मी अब तो अब दोनों लोगों ने लड़का बताया गया या लड़की ना हो भैया, हम तो लड़की हुई जाए, लड़का तो बहुत दूर की बात है। वैसे बताया मम्मी सच? हाँ, बताया सच, सब बताया सच। हम भैया जा रहे हैं दूध लेके अब, क्योंकि हमारा भी टाइम हो गया है। आरती डब्बा धोने जा रही हैं धूप में, और आरती की आज किस्मत नंदी बाबा ने क्या बता दी, आरती आज बहुत खुश हैं। और ये हमारे साले साहब पानी खिला रहे हैं हमारे नहाने के लिए, वैसे पानी वैसे ये आ गया, हमें बहुत आराम हो गई है, पानी खूब चलाता है ये, जब लाइट चली जाती है तो खूब पानी चलाता है, चल मेरे लिए नहीं अपनी दीदी के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी दीदी के लिए उतर तो थोड़ा अच्छा और रुझा तो हमारे। आरती मेहनत बहुत करती हैं, अब हम थोड़ा काम छोटा कर देंगे, बोतलें वगैरह कम कर देंगे, जिससे आरती को धोने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं आरती। भर गया पानी? हैं? पानी भर गया? एक लीटर शैम्पू लेके आए, फिर नहाए हम।
रुपया ना है। रुपया है ना? ना। या कोई दुकान पे चले जाइए, नाम बताइए बस मेरा मिली शैम्पू। तुम तो मिराज हो ना? मिराज है हम। अरे किसो चले जितने जितने गांव दुकान है किसो चले जियो। काले वाले यो गुलाबी वाले। अरे पंडित जी को नाम है काफी है। ये हमारी बिट्टू है देखो सो नहीं रहे, ये मक्खियों से बहुत परेशान है क्योंकि हमारे घर में दूध के डब्बों के चक्कर में मक्खियां बहुत ज्यादा, और मक्खियों के चक्कर में ये बेचारी बहुत परेशान है। ये सोती नहीं है, इसके मुंह पे मक्खी बैठ जाती है तो सोती नहीं है बिल्कुल, तुरंत रोती है, अब बैठ नहीं पाती है। भैया बताओ कोई कैसे बैठेगी, ये बहुत 1 साल की हो गई।